दोस्तों अडवचन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों यदि आप व्हाट्सएप चलाते हो अपने मोबाइल फोन के अंदर, तो इन्हीं व्हाट्सएप की दो ऐसे खतरनाक खुफिया सेटिंग के बारे में बताऊंगा, दो ऐसे खतरनाक खुफिया ट्रिक के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों को 2021 में मालूम होना ही चाहिए। यदि आप ये दो ट्रिक और ये दो खुफिया सेटिंग के बारे में आप नहीं जानते हो ना, तो आप बहुत पछताओगे। और फिर मेरे कमेंट के अंदर मत बोलना कि भाई सितारे भाई आपने बताया नहीं। अगर दोस्तों व्हाट्सएप चलाते हो ना, तो इसी बात पे एक लाइक कर देना अच्छा सा, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना कि ये वीडियो कैसा लगा। ओके गाइस, तो बस ये छोटी सी काम करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप की दो ऐसे खतरनाक खुफिया सेटिंग और दो ऐसे खतरनाक खुफिया ट्रिक छुपा हुआ जो आप लोगों को 2021 इसमें पता होना ही चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने फोन के अंदर इंटरनेट का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन क्या होता है कभी-कभी कि आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं अपने फोन के अंदर इंटरनेट उपयोग नहीं कर रहा, इंटरनेट को यूज नहीं कर रहा, फिर भी ऑटोमेटिक जो ना एमबी कट रहा है, ऑटोमेटिक एमबी जो ना मतलब खत्म हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपके व्हाट्सएप आपका एमबी कटता रहता है, आपका एमबी खत्म कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता है, जो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा जो होता है, कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि भाई मेरा व्हाट्सएप चैट कोई और तो रीड तो नहीं कर रहा है, और कभी कभी क्या होता है कि आपका व्हाट्सएप मैसेज आया और कोई और बंदा पढ़ रहा है, लेकिन आपका क्यूआर कोड स्कैन भी नहीं है, लेकिन दूसरे बंदे को पता चल रहा है कि भाई आपने व्हाट्सएप मैसेज किया, और आप कंफ्यूज हो जाते कि भाई ऐसे कैसे हो गया। तो ये सब प्रॉब्लम जो ना आपके व्हाट्सएप के अंदर कभी ना कभी आया होगा। यदि आप इसे सॉल्यूशन चाहते ना, तो आपको क्या करना कि सबसे पहले व्हाट्सएप को ओपन करना, और सबसे पहला मैं आपको सेटिंग बता देता हूं जो आपके इंटरनेट को बचा सके। तो आपको 3 डॉट पे जाना है, सेटिंग में जाना है, और यहां पे आपको चैट में जाना, चैट सेटिंग में, और यहां पे चैट बैकअप में जाना होगा। जैसे चैट बैकअप में जाने के बाद दोस्तों यहां पे आपको मिलेगा इंक्लूड वीडियो होगा, तो ये आपके व्हाट्सएप के अंदर इंक्लूड वीडियो वाला जो है ना सेटिंग, ये ऑन होगा। यदि आप ये सेटिंग ऑन होगा ना आपके व्हाट्सएप के अंदर, तो आपका डेटा जो है ना ऑटोमेटिक वो क्या होगा, खत्म होता रहेगा, ऑटोमेटिक आपका एमबी कटता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपके फोन के व्हाट्सएप के अंदर जो है ना कि ग्रुप होगा, और वहां पे उस ग्रुप में वीडियो काफी सारा लंबा वीडियो आता होगा, फोटो आता होगा, बहुत सारा चीज कचरा वगैरह आता होगा ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, तो वो सभी क्या होता है कि आपका फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट जो भी बड़ा बड़ा फाइल होता है ना, ऑटोमेटिक बैकअप होते रहता है, और इससे आपका डेटा जो ना जल्दी खत्म होगा। जी हां, तो ये पहला सेटिंग था जो आप लोग को बंद कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूं दूसरा सेटिंग और ट्रिक के बारे में। और दोस्तों ये दूसरा सेटिंग और ट्रिक से क्या फायदे उठा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका व्हाट्सएप चैट रीड कर रहा है कि पढ़ रहा है, आपको लगता होगा कि भाई मेरा चैट कोई रीड तो नहीं कर रहा है और मेरा व्हाट्सएप मैसेज आया लेकिन किसी और को पता चल जाए, सबसे पहले पता चल गया कि आपने व्हाट्सएप भेजा, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैंने तो ऐसा मैसेज तो किया नहीं। तो आप लोग को क्या गलती करते हैं कि ये जो बैकअप डू गूगल ड्राइव जो देख रहे ना, इसको चेक करना है। और जैसे मैंने यहां पे नेबर रखा ना, तो आपके व्हाट्सएप के अंदर क्या होगा, जैसे कि डेली पे क्लिक कर देता हूं, और जैसे कि डेली पे क्लिक करने के बाद यहां पे बता देता हूं कि आपका डेली का डेली जो ना बैकअप होता रहता है, और आप लोग चेक नहीं कर पाते हैं कि जो डेली का डेली जो बैकअप होता है वो किस अकाउंट में डेली का डेली बैकअप हो रहा है, कौन से ईमेल पे हो रहा है। जी हां, ये ईमेल आपका है या किसी और बंदे का है, क्या आपने कभी पता किया? मुझे नहीं लगता है कि आप लोग कभी ने चेक नहीं किया होगा कि यार किस ईमेल पे आपका बैकअप हो रहा है और कौन से ईमेल पे बैकअप हो नहीं होना चाहिए, आप लोग को चेक करना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि यहां पे नेबर पे क्लिक कर देते ना, तो जैसे नेबर पे क्लिक करेंगे ना, तो चाहे आपका ईमेल हो चाहे किसी और का ईमेल हो, वो बैकअप नहीं होगा, ना तो आपका व्हाट्सएप चैट रीड करेगा, ना उनको पता चलेगा पहले कि आपका व्हाट्सएप मैसेज आया, कुछ भी आया वो अगले बंदा नहीं देखेगा, इससे आप बड़ी आसानी से बच सकते हो। तो ये दो सेटिंग के बारे में आप लोग को पता होना ही चाहिए यदि आप व्हाट्सएप चलाते हो तो 2021 में। जी हां, तो यही था दो ऐसी खतरनाक सेटिंग जो आप लोग को बताना था, जो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल लगा होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी ना, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, एक अच्छा सा प्यारा सा कॉमेंट कर देना कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों वीडियो में, अपना ख्याल लेके टेक केयर एंड गुड बाय।